तो आज का पहला मैच ऑब्वियसली ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी का ज्यादा अच्छा होगा, मतलब इंटरेस्टिंग होगा वैसा। 50+ पॉइंट्स टीम में से बस एक 6-7 फिनिशेस या इवन लो फिनिश चिकन आ जाए तो बाकी मैचेस में एवरेज पॉइंट निकाल के भी क्वालिफाई हो सकते हैं। एक चिकन डिनर और फिर सब खत्म है, बस एक ही चिकन डिनर चाहिए। एक चिकन डिनर से काम हो जाएगा यार, एक चिकन डिनर मोर देन इनफ है, मतलब शुरू के लिए। अगर ग्रुप ए वर्सेस बी में कोई भी चिकन निकालता है तो मैं मान के चलता हूँ काम हो जाएगा। तो ग्रुप ए वर्सेस बी में अगर यहाँ नीचे से टीम में से किसी का भी चिकन आता है, जैसे कल के दिन पे 8-bit ने पहला मैच अच्छा खेला था, चिकन नहीं निकाल पाए थे, ठीक है। देन हैदराबाद हाइड्रास का इरांगल इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक कल का इरांगल उतना कुछ खास नहीं गया था। मिरामार में वो 10 पॉइंट्स जो आए थे वो आए थे, वो एडमिनो का सर्वाइवल गेम प्ले था जिससे उनको 4 प्लेसमेंट पॉइंट मिला था, 5 आने थे, एडमिनो ने 10 कर दिया। हाँ वही कह रहा हूँ, 4 प्लेसमेंट पॉइंट एक साथ दिला के गया। ड्रैगन्स कर लेंगे आज के दिन पे, कार्पेडियम का तुमको पता है अब तो हो चुका है GGWP। 28 से 79 तक जाने के लिए उनको बहुत लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, इन्फर्नो स्क्वाड कर लेगी। ये है मेरे 16। तो मैंने इधर ब्लाइंड का नाम क्यों नहीं लिखा है, ब्लाइंड पे तो 60 पॉइंट्स हैं। देखो अब जो लिख दिया वो लिख दिया, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए आशुतोष भाई वाली फील, ये भी ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लाइंड का नाम क्यों नहीं लिखा है, कुछ तो रीजन होगा उसका, मतलब मेरे दिमाग में आया नहीं। मैं 8-bit का लिखा हूँ, 8-bit 48 पर है, हैदराबाद हाइड्रास 54 पर है, सरकार गेमिंग का पेडीएम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और यही 16 टीम है जो लैंड फाइनल्स खेलने वाली है, दैट्स ऑल। भानु प्रताप कुछ चेंजेस हैं, खत्म टाटा बाबाए। भारत भाई क्यों टाटा बाबाए कर रहे हो आप? वैसे भाई आपके हिसाब से तो निंजा बढ़िया प्लेयर है, लेकिन वो स्टोरी पर नो कंपटीशन लगाना जरूरी है। वैसे हमारे यूनिवर्सल एमवीपी लगने लगे तो स्टोरी का भंडार हो जाएगा, अच्छा लगाने लगे तो स्टोरी का भंडार हो जाएगा। देखो यूनिवर्सल एमवीपी को इस बार, खैर जब से मैंने बोला है तब से डाउनफॉल तो है, पर ठीक है। जी कह रहे हैं मेजी, आपको नहीं लगता आईजी फ्री फिनिशेस देते हैं ब्लाइंड को फिशी? भाई मुझे क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लाइंड के पास गन पावर इग्नाइट से जब वो लड़ाई करते हैं तब ज्यादा आ जाती है, इन माई पर्सनल ओपिनियन। मतलब इग्नाइट वाले हर किसी टीम से जीत जाते हैं एक्सेप्ट फॉर टीम ब्लाइंड, तो मतलब ब्लाइंड के पास इस लॉबी में सबसे ज्यादा गन पावर है कि वो इग्नाइट को हरा पाए।